आजकल पूरी दुनिया भर में ऑनलाइन हैकिंग के मामले बहुत ज़्यादा तादाद में सामने आ रहे हैं और इंडिया में भी बहुत सारे मामले आ रहे हैं। और इसकी जो सबसे बड़ी वजह होती है वो होती है नॉलेज की कमी। हमें पता नहीं होता है कि बचने के क्या क्या उपाय होते हैं। और इसी से रिलेटेड अभी उत्तराखंड पुलिस जो है उन्होंने अपने फेसबुक पेज में एक एडवाइजरी जारी की है, जिसमें उन्होंने 4-5 पॉइंट में बताया है कि किस तरह से आप ऑनलाइन हैकिंग से बच सकते हैं। लेकिन हालांकि आप सभी लोगों ने उस पेज को फॉलो नहीं किया होगा। इस तरह के पेजेस को ज़्यादातर लोग जो सिविलियंस होते हैं वो फॉलो नहीं करते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको केवल 4 पॉइंट बताऊंगा जिसकी मदद से आप ऑनलाइन हैकिंग से बच सकते हो। अब देखिए, जो ऑनलाइन हैकर होते हैं उनके पास आपके अकाउंट का या आपकी एप्लीकेशन का, आपके स्मार्टफोन का, आपके जितने भी अकाउंट होते हैं उनका जो कंट्रोल होता है वो किस तरह से पहुंचता है, उसके लिए उनको केवल एक चीज़ चाहिए होती है, या तो आपके फ़ोन में आया हुआ OTP या फिर आपका पासवर्ड। अगर वो आपको उनको मिल गया तो वो आपके अकाउंट को हैक कर सकते हैं। अब इससे बचने के लिए हमको सिंपल से 4 जो टिप्स हैं उनको फॉलो करना है और चारों टिप्स पासवर्ड या OTP से ही रिलेटेड हैं। तो सबसे पहले आपको पासवर्ड जब आप किसी भी अकाउंट का बनाते हैं तो उसमें आपको ध्यान रखना है कि जो पासवर्ड होता है उसको आपको ना तो अपनी डेट ऑफ बर्थ पे बनाना है, ना अपने नाम से या अपने बच्चों के नाम से, उनके डेट ऑफ बर्थ से, मतलब इस तरह का कोई पासवर्ड नहीं बनाना है जो बहुत इजी हो, किसी को भी आसानी से पता चल जाए। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जो अपने फ़ोन नंबर को ही अपना पासवर्ड बना देते हैं, अपनी डेट ऑफ बर्थ को बना देते हैं, या फिर अपने नाम के आगे @123#123 इस तरह से कुछ भी जोड़ के वो बना देते हैं। वैसे पासवर्ड आपको स्ट्रॉन्ग किस तरह से बनाना है इसके ऊपर मैंने एक सेपरेट सी वीडियो बनाई है, आप ऊपर आई बटन में आपको वीडियो मिल जाएगी, अदरवाइज डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो आप वहाँ पे जाके दे सकते हैं कि किस तरह से आपको स्ट्रॉन्गेस्ट पासवर्ड बनाना है। दूसरी बात, बहुत सारे लोग मैंने ऐसे देखे हैं जो आलसपने में या फिर भूलने की बीमारी के कारण अपने सारे अकाउंट्स का, अपनी जीमेल आईडी का या किसी भी चीज़ का पासवर्ड सेम रखते हैं ताकि उनको याद करने में दिक्कत ना हो। तो आपको ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। अपने हर अकाउंट का जो पासवर्ड होता है उसे अलग अलग रखना है और स्ट्रॉन्ग वाला पासवर्ड बना के रखना है। ऐसा नहीं कि आपको ईजी जो याद करने के लिए जो पासवर्ड आपको ईजी लगे आप उसी पासवर्ड को बना दो। उसके बाद जो तीसरा पॉइंट है, बहुत सारे लोगों की मैंने आदत देखी कि जब भी वो कोई नया पासवर्ड क्रिएट करते हैं तो वो स्मार्टफोन में ही उसे सेव कर लेते हैं। अगर आपने ऐसी गलती की और आपका फ़ोन जो है स्मार्टफोन आपके हाथ से मिस हो गया या खो गया तो वो जो पासवर्ड हैं वो सारे के सारे हैकर के हाथों में रख सकते हैं। इसलिए आपको अपने स्मार्टफोन में उन पासवर्ड को लिख के नहीं रखना है। आप घर में किसी नोटपैड में उनको लिख सकते हैं ताकि आपको याद रहें, अदरवाइज़ आप अगर मेमोरी अच्छी रखते हैं तो आप उनको याद भी कर सकते हैं। उसके बाद जो चौथी चीज़ है वो ये है कि जब हम कोई आईडी क्रिएट करते हैं, कोई अकाउंट क्रिएट करते हैं, तो उसका जो पासवर्ड होता है हम उसे तभी चेंज करते हैं जब हम उसे भूल जाते हैं फॉरगॉट पासवर्ड के ऑप्शन पर क्लिक करके। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। अगर आपको याद रहता है तो आपको 3-4 महीने में उसे बदलते रहना है ताकि उसके जो लीक होने की पॉसिबिलिटी है वो कम हो जाए। तो ये 4 पॉइंट है जो आपको अपने किसी भी अकाउंट को के लिए पासवर्ड बनाते टाइम ध्यान रखने हैं। अगर आप ये चारों टिप्स फॉलो करते हैं तो 99% चांस आपके अकाउंट के हैक होने के कम हो जाते हैं। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन दबा दीजिए। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।